हमारा आज का जो टॉपिक है वो है 10 कमांडमेंट्स फॉर अ डिवाइन होलिस्टिक चाइल्ड। मेरे पास समय समय पर सबके फोन आते रहते हैं, मैसेजेस आते रहते हैं कि दीदी प्लीज गाइड कीजिए कि ये जो 9 मंथ्स का हमारा पीरियड है उस समय हमारी सोच कैसी रहे, हमारे वैल्यूज, हम किस तरह का एक जीवन जिए जिससे सही मायने में हमें एक दिव्य संतान की प्राप्ति हो। तो मैंने वही सोचा कि ऋषि पातंजलि ने जो यम और नियम के द्वारा जो 10 धर्म हमें दिए हैं उससे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। तो यही 10 धर्म का ज्ञान आज आप सभी को दूं मैं, और ये सिर्फ गर्भवती माताओं के लिए नहीं है, ये हम सब हर एक के लिए ये एप्लीकेबल है, और गर्भवती माताओं के लिए तो और भी ज्यादा एप्लीकेबल हो जाता है, बिकॉज इससे वो खुद को ही नहीं अपने आने वाली पीढ़ी का भी वो एक अच्छा बीजारोपण कर रही हैं, जिससे वो करेक्ट वैल्यूज के साथ में वो इस जीवन में आगे बढ़ सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है 10 कमांडमेंट्स फॉर अ डिवाइन होलिस्टिक चाइल्ड, 10 धर्म जिससे हमें एक दिव्य सर्वगुण संपन्न शिशु की प्राप्ति हो, वो 10 धर्म की हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो क्या है ये 10 धर्म? ऋषि पातंजलि कहते हैं, जाति देश काल सम्यान वच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम्। उन्होंने शुरुआत ही ऐसे की है। उनका कहना है कि ये जो 10 धर्म अभी हम जिनकी चर्चा करने वाले हैं, ये यूनिवर्सली सार्वभौम, ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। ये ना कोई जाति, ना कोई देश, ना कोई काल, ना कोई समय, ना टाइम, ना प्लेस, ना सर्कमस्टेंसेस, किसी से भी ये बटा हुआ नहीं है। ये सैक्रोसेंट है, नॉन नेगोशिएबल है। इसमें कुछ कम ज्यादा की का कोई ऑप्शन नहीं है। दिस हैज टू बी प्रैक्टिस्ड बाय एवरीवन इन फुल स्पिरिट। ये महाव्रत है। जितने भी व्रत हैं उसमें जो सबसे उच्चतम श्रेणी में ये 10 धर्म आते हैं। अगर हम ये 10 धर्म की प्राप्ति कर लेते हैं तो वो समय दूर नहीं जब हम इस जगत से उस जगत को प्राप्त कर लेंगे। इस शरीर से हम उस परमात्मा के साथ में एकाकार स्थापित कर लेंगे। ये जो माया जाल में हम अटके हुए हैं, जो 84 लाख योनि में हम भटक रहे हैं, उससे कब हमें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी हमें पता ही नहीं चलेगा। तो बहुत इजी है ये, अगर 10 धर्म का हम पालन कर लेते हैं अच्छे से तो हमें हर चीज की प्राप्ति होना संभव है। और हमारे गर्भ में जो शिशु है, अगर कोई माँ 9 महीने ये 10 धर्म को का पालन कर ले, तब तो भगवान खुद आकर कहेंगे कि भाई क्या चाहिए आपको, किस किस क्वालिटी का संतान आपको चाहिए। तो ये धर्म को हम, ये 10 धर्म को हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले ऋषि पातंजलि ने क्या किया, ये 10 धर्म को 5 और 5 में विभाजित किया। यम और नियम। यम यानी ये सारी चीजें निषेध है, और नियम यानी कि ये सब चीजें हमें प्रैक्टिस में लानी है। अब जैसे कोई पात्र होता है, उस पात्र को हमें अमृत से भरना है, तो हम क्या ऐसे ही अमृत से भर लेंगे? ऐसे ही भर लेंगे अमृत से? बिल्कुल भी नहीं। हम पहले पात्र को क्या करेंगे, अच्छे से क्लेंस करेंगे, उसे साफ करेंगे, उसकी शुद्धि करेंगे, और वो शुद्धि होने के बाद ही हम उसमें अमृत कर भरेंगे। तो इसीलिए जो फर्स्ट 5 स्टेप्स है हमारे 10 धर्म के, वे यम है, वो क्लेंजिंग प्रोसेस है। हमें उससे अपने आप को स्टेप बाय स्टेप क्लीन करते जाना है, और उसके बाद जो 5 धर्म आएंगे उससे अमृत भरा जाएगा। तो ये 5 धर्म क्या है? अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमा। अहिंसा यानी कि हिंसा को त्यागना, सत्य यानी मिथ्या को त्यागना, आस्तेय मीन्स
चोरी को त्यागना, ब्रह्मचर्य यानी जो सेंस प्लेजर्स है, जो पांच इंद्रियों के वशीभूत हम जो जीवन को जी रहे हैं, उन पांच इंद्रियों के प्रति जो हमारी लालसा है उसे त्यागना, और अपरिग्रह यानी जो हमें संग्रह करने की जो इच्छा हमारे अंदर प्रबल रहती है, हर चीज हम चाहते हैं कि हम संग्रह कर लें, तो उसे त्यागना अपरिग्रह। तो ये जो पांच यम है, अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, हम पहले ये एक-एक यम की चर्चा करेंगे और उसके बाद हम पांच नियम की ओर जाएंगे। तो क्या है ये पांच नियम? शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर परिधानानि नियमा। प्यूरिफिकेशन यानी शौच, कंटेंटमेंट संतोष, सेल्फ डिसिप्लिन या ऑस्टेरिटी यानी तप, स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स या सेल्फ स्टडी स्वाध्याय, डिवोशन टू गॉड ईश्वर परिधाना। तो ये पांच है नियम। तो पहले हम पांच यम जो रेस्ट्रेंस है हमें उससे अपने आप को क्लेंस करना है, और फिर ये पांच नियम से हमें अपने अंदर अमृत को भरना है। यम रेस्ट्रेंट, तो सबसे पहला यम क्या है? एब्सटेंशन फ्रॉम हार्मिंग, अहिंसा। तो हमारा जो जैन धर्म है वो क्या है? अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही सबसे परम धर्म है, क्योंकि ये जो दश धर्म है उसका पहला धर्म ही अहिंसा है। अगर आप अहिंसा की प्राप्ति नहीं करते हो तो आप अपने धर्म के मार्ग में आगे ही नहीं बढ़ सकते हो। ये द्वार है, एंट्री गेट है, अहिंसा हमारे आगे के मार्ग में बढ़ने का एंट्री गेट है, ये मैंडेटरी है। तो अहिंसा का मतलब क्या हुआ? किसी को हिंसा नहीं करना, इसका मतलब अहिंसा हो गया। किसी को मारना नहीं, पीटना नहीं, या और आगे के लेवल पे बोलूं तो नॉनवेज नहीं खाना, यही सिर्फ अहिंसा है? ये तो अहिंसा है ही। किसी को शारीरिक रूप से कष्ट नहीं देना, ये तो अहिंसा है ही। लेकिन अहिंसा हर लेवल पे होना चाहिए, मनसा वाचा और कर्मणा। शारीरिक रूप से कष्ट नहीं देना, शाब्दिक रूप से कष्ट नहीं देना, इनफैक्ट अपने सोच से भी कष्ट नहीं देना। एट द लेवल ऑफ थॉट्स, एट द लेवल ऑफ वर्ड्स, एट द लेवल ऑफ डीड्स और एक्शन। किसी को हमारे शब्दों से अगर तकलीफ पहुंचती है तो वो भी हिंसा है। किसी के बारे में अगर हम कुछ नेगेटिव सोचते हैं तो वो भी हिंसा है। तो अहिंसा डज नॉट मीन कि हम सिर्फ शारीरिक रूप में किसी को कष्ट पहुंचा रहे हैं। अहिंसा का अर्थ किसी के बारे में अच्छा सोचना भी है। वी हैव टू थिंक पॉजिटिव एंड गुड फॉर एवरीबॉडी। वी हैव टू स्पीक गुड काइंड वर्ड्स टू एवरीबॉडी। तो अहिंसा इज एट द लेवल ऑफ मनसा वाचा एंड कर्मणा। मन से, वचन से और कर्मों से हर लेवल पे अहिंसा का पालन होना चाहिए। और पतंजलि ऋषि एक और स्टेप बढ़ते हैं आगे। ये दस धर्म से, हर धर्म के पालन करने से हमें बहुत सारी शक्तियों का प्राप्त हो शक्तियां प्राप्त होती है। तो पतंजलि ऋषि कहते हैं कि अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग, यानी कि जो इंसान अहिंसा का पालन करता है उसके साथ कोई वैर भाव रख ही नहीं सकता, कोई एनिमिटी उसके साथ हो ही नहीं सकती। उसे हर इंसान से, हर जीव से, इनफैक्ट पूरे ब्रह्मांड से सिर्फ कोऑपरेशन ही प्राप्त होता है, उसे सहयोग की प्राप्ति होती है। वो जहां जाता है पूरा ब्रह्मांड लाइट होता है कि उसके लिए क्या करते। वैर का जो भाव है उसका परित्याग हो जाता है सबके मन से। सिर्फ उसके लिए भी नहीं, उसके आसपास में जितने लोग हैं। आपने हमेशा अहिंसा की जो प्रतिमूर्ति कौन है? महावीर स्वामी, साक्षात महावीर भगवान। तो आप हमेशा देखेंगे कि उनकी जो फोटो है, एक तरफ सिंह है और एक तरफ गौ माता है। तो कैसे पॉसिबल है कि सिंह के साथ में गौ माता एग्जिस्ट करी और दोनों हैप्पीली एक जगह से अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं?
ये कैसे पॉसिबल है? ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि वो अहिंसा की प्रतिमूर्ति है, और जो अहिंसा की प्रतिमूर्ति होता है उसके आसपास वैर भाव एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। तो सिंह के मन से भी वैर भाव का जो उसका मूल स्वरूप था उसका भी परित्याग हो गया। तो अहिंसा जो है वो एंट्री एंट्री गेट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अहिंसा परमो धर्मा, और अहिंसा कैसे? मन से, वचन से और कर्म से, काय से, हर लेवल पे अहिंसा का पालन होना चाहिए। अब नेक्स्ट यम क्या है? नेक्स्ट यम है मिथ्या का त्याग करना, सत्य का अनुसरण करना। अब एक इंपॉर्टेंट बहुत बात आती है, कई बार ऐसा होता है कि भाई सत्य कैसा होना चाहिए? तो सबसे इंपॉर्टेंट है सत्य के पीछे का भाव क्या है। वो सत्य जो कुछ स्वार्थ के भाव से बोला जा रहा है, वो सत्य झूठ से भी ज्यादा पापदाई है, और वो झूठ जो निस्वार्थ भाव से जग के कल्याण के लिए बोला जा रहा है, वो झूठ सत्य से भी ज्यादा पुण्यकारी है। इसका मतलब क्या हुआ? इंटेंशन सुपरसीड्स एक्शन। हमारा जो भाव है वो हमारे एक्शन को सुपरसीड करता है। हम किस भाव के साथ सत्य का अनुसरण कर रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। कई बार हम सत्य बोलते जरूर हैं लेकिन उसके पीछे हमारा भाव दूषित होता है, वो सत्य कारगर नहीं है, वो सत्य पुण्य पुण्यदायी नहीं है। लेकिन वो झूठ जो पूरे संसार को हेल्प करे, तो वो झूठ सत्य से ज्यादा पावरफुल हो जाता है। तो सत्य जब भी हमें हमेशा सत्य का अनुसरण करना है, लेकिन सत्य का जब जब हम अनुसरण करें, एक बात को हमेशा ध्यान में दें कि इसके पीछे मेरा भाव क्या है। हमेशा अपने भावों को आप टटोलते रहें। और इसके आगे बढ़कर ऋषि पतंजलि कहते हैं, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फला श्रेयत्वम, यानी कि जो सत्य के मार्ग पर अडिग रहता है वो हमेशा सत्यमेव जयते होता है। उसके हर कार्य को पूर्णता प्राप्त होती है, वो अपने हर क्षेत्र में अग्रणी रहता है। सत्यमेव जयते, सत्य का मार्ग जो अनुसरण करता है वो हमेशा जीवन में जीतता है। ये हमारा दूसरा यम है। पहला क्या था? अहिंसा। और अहिंसा के बाद में, और अहिंसा कैसी? मनसा वाचा कर्मणा। और फिर आया सत्य। सत्य कैसा? भाव के लेवल पे सत्य। सत्यता होनी चाहिए भाव के लेवल पे, आपके भावों में सत्यता होनी चाहिए, एक शुद्धि होनी चाहिए, वो सत्य सत्य है। और सत्य का मार्ग अनुसरण करना बहुत आसान है क्योंकि झूठ में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत कॉम्प्लिकेशंस है। एक्चुअल में मैंने आपको क्या बोला, मैंने उसको क्या बोला, मैंने इसको क्या बोला, मुझे सब याद रखना होगा और सबको एडजस्ट करके चलना पड़ेगा, बहुत स्ट्रेस है। लेकिन जहां सत्य की बात आती है, सत्य यूनिवर्सल है, सत्य एक है, कोई टेंशन नहीं, ये है या नहीं है, घबराने की कोई बात ही नहीं है। एंड सत्य कैन ऑलवेज बी प्रूव्ड। झूठा इंसान हमेशा डर डर के जीता है और सत्यवादी हमेशा निडर रहता है क्योंकि उसके पास डरने के लिए कुछ है ही नहीं। दूसरा जो हमारा नियम है वो है नियम है वो है सत्य। अब थर्ड, आस्तेय। आस्तेय यानी जो मेरा नहीं है उसके प्रति मेरा कोई लगाव भी नहीं होना चाहिए। प्राप्त करना तो बहुत दूर की बात है, किसी दूसरे की चीजों को प्राप्त करना तो बहुत दूर की बात है,
आस्ते का पालन करना, यानी कि जो मेरा नहीं है उसकी तरफ मुझे नजर भी नहीं डालनी है। और ये आस्ते का पालन सिर्फ मटेरियल चीजों के लिए नहीं है, सिर्फ जायदाद या फिर हमारे जो बैंक बैलेंस है और हमारी प्रॉपर्टीज है, सिर्फ इसके लिए नहीं है। हमें आस्ते का पालन हर लेवल पे करना है। कई बार काम कोई और करता है, हम आगे बढ़कर खुद क्रेडिट ले लेते हैं। यहां पे आप आस्ते का पालन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो क्रेडिट उसका था, आपने उसके क्रेडिट को छीन लिया। आप समझने में क्या कहना चाह रही हूं? जो चीज मेरी नहीं है, चाहे वो स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो, मेरा आइडिया नहीं था, आइडिया किसी और का था, बट मैंने फटाफट जाके वो आइडिया सुना दिया और क्रेडिट ले लिया। आस्ते का पालन नहीं हुआ, मैंने उसकी क्रेडिट छीन ली, मैंने अपनी स्टैंपिंग लगा दी, चूटी। सो आस्ते हैज टू बी एट द लेवल ऑफ ग्रॉस एज वेल एज सटल, स्थूल और सूक्ष्म, हर लेवल पे आस्ते का पालन होना चाहिए। और क्या कहते ऋषि पतंजलि, आस्ते प्रतिष्ठायाम सर्व रत्नोपस्थानम, यानी कि जो इंसान आस्ते का पालन करता है, ब्रह्मांड की संपत्ति उसका इंतजार करती है। अगर आप किसी और की संपत्ति पर नजर नहीं डालोगे तो क्या होगा? ब्रह्मांड के पास अनंत है, ब्रह्मांड आपकी झोली भर देगा। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको आस्ते का पालन करना चाहिए। जब हम आस्ते का पालन करते हैं तो ब्रह्मांड ललायित होता है कि वो हमें किस तरह से हमें संपूर्ण कर सके। ये है तीसरा यम। चौथा यम हुआ ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्मा का आचरण, ब्रह्मा की चर्या। जो चर्या साक्षात ब्रह्म पालन करते हैं, वो चर्या का पालन करना ब्रह्मचर्य है। और वो कैसी चर्या का पालन करते हैं? वो चर्या जो आत्मबोध के साथ जुड़ी हुई है, वो चर्या जो हमारे शरीर बोध में हमें नहीं बांधती है, जो हमें बॉडी के सेंस प्लेजर्स से दूर लेके जाती है, वो चर्या है ब्रह्मचर्य की चर्या। हमें वो चर्या का पालन करना चाहिए जहां पे हम बॉडीली प्लेजर्स के साथ नहीं जुड़े हों। हम बॉडीली प्लेजर्स को त्याग कर हम आगे बढ़े अपने आत्म कल्याण के हेतु। और जो इसका पालन करता है उसे वीर्य लाभ होता है। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ, यानी कि जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसे विगर स्ट्रेंथ की प्राप्ति होती है। जो सेंशुअल प्लेजर्स में नहीं लगता है, सेक्सुअल प्लेजर्स में नहीं लगता है, बॉडीली प्लेजर्स में नहीं लगता है, जो इस तरह के सांसारिक भोगों से धीरे धीरे विमुख होता जाता है, दूर होता जाता है, तो क्या होता है? उसका जो उसकी जो शक्ति है वो शक्ति ऊर्ध्वरेता हो जाती है। उसकी शक्तियां मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाती है, उसकी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। और फिर पांचवा यम क्या हुआ? पांचवा यम है अपरिग्रह का पालन करना, नॉन एक्यूम्युलेशन, इकट्ठा नहीं करना। तो क्या चीज इकट्ठी नहीं करनी? एक तो सामान इकट्ठा नहीं करना। हम अपना कबर्ड खोलेंगे तो पता नहीं कितने सालों साल पुराना हमारा सामान पड़ा रहा होगा, जो फट गए होंगे, खराब हो गए होंगे, टूट गए होंगे। कभी कोई वास्तु एक्सपर्ट को आप घर पे बुलाओगे ना, तो सबसे पहले वो यही सारा सामान, इसको कहते हैं कबाड़, वो सारे कबाड़ को फिकवाते हैं, बिकॉज उनके हिसाब से बहुत नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करता है। हमें सालों साल से चीजें जो अक्यूमुलेट करके रखे हैं,
जो हमारे लिए उपयोगी ही नहीं है, वो बहुत नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करता है, एक झूठी सेंस ऑफ अटैचमेंट क्रिएट करता है। और इसी के साथ साथ पता नहीं सालों साल से हमने अपने मन में, दिमाग में कितने सारे थॉट्स को सजो के रखा है, सजा के रखा है। 10 साल बाद मेरी किसी आंटी ने मुझे डांट दिया था, 15 साल पहले कौन सी टीचर ने मेरी इंसल्ट कर दी थी, 20 साल पहले मेरे कौन से फ्रेंड ने क्या कर दिया था। सब बातों को हम ट्रेजर की तरह हम सजो के रखते हैं, और ये सब क्या कर रहे हैं, हमारे मेंटल स्पेस को ब्लॉक कर दे रहे हैं, ग्रोथ नहीं होने दे रहे हैं। हमारा एक ब्लॉकेज आ गया है, एक अटकाव आ गया है। तो अपरिग्रह क्या कहता है, अपरिग्रह कहता है कि जो चीजें तुम्हें नहीं चाहिए उसे त्यागो, चाहे वो कोई मटेरियल पोजेशन हो, चाहे वो कोई थॉट हो, चाहे ग्रॉस हो, चाहे सटल हो, चाहे स्थूल हो, चाहे सूक्ष्म हो, जो भी चीजें तुम्हारे काम की नहीं है, कबाड़ है, चाहे दिमाग में कबाड़ हो, चाहे आपके कबर्ड में कबाड़ हो, सारे कबाड़ को त्यागो। अपरिग्रह। और फिर क्या कहते हैं ऋषि पतंजलि, अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कंथता संबोध, यानी कि जो परिग्रह में स्टडी रहता है, फर्म रहता है, उसे अपने एग्जिस्टेंस का रियल नॉलेज होता है, क्योंकि उसने सारे कबाड़ त्याग दिए ना, एकदम दिमाग, मन, वातावरण पूरा खाली हो गया है। अब जब वो वातावरण खाली हो गया, मन और दिमाग खाली हो गया, हृदय खाली हो गया है, तब उसे रियलाइजेशन हो रहा है कि उसके एग्जिस्टेंस का रियलिटी में औचित्य क्या है। जब भी हम जन्म लेते हैं ना, हम सब पूरी लिस्ट बनाते हैं कि हमें जन्म क्यों हम ले रहे हैं, व्हाट इज द रीजन ऑफ आर बर्थ, पूरे एजेंडाज बनाते हैं और उसके हिसाब से अपनी पूरी लाइफ स्क्रिप्ट लिखते हैं, उसके हिसाब से अपने लाइफ में हम सुख और दुख को डालते हैं, सारे रिलेशनशिप्स बनाते हैं। लेकिन जैसे ही हम इस धरती पे आते हैं, क्या होता है, हम शरीर बोध में लग जाते हैं, और शरीर बोध में जैसे ही हम लग गए, हम भूल जाते हैं, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं अपने रियल पर्पस ऑफ लाइफ के साथ में, जो हमारी लाइफ का रियलिटी में जो हमारा औचित्य था उसके साथ हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम अपरिग्रह का पालन करने लगते हैं, हमारे दिमाग से, मन से, वातावरण से वो कबाड़ खत्म होने लगता है, और जैसे जैसे वो खत्म होने लगता है, जगह क्रिएट होने लग जाती है, क्योंकि जगह ही नहीं है, तो जगह जब क्रिएट होती है तो हमें अपने एग्जिस्टेंस का रियल नॉलेज होने लग जाता है कि हम हैं कौन, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, क्या प्राप्त करने के लिए आए हैं। वी आर ऑल हियर टू अचीव वेरी स्पेशल पर्पज इन लाइफ, बट प्रॉब्लम यह है कि हम भूल चुके हैं। अब भूल गए तुम क्या करेंगे, नथिंग, बस आएंगे, खाएंगे, पिएंगे, कुछ कुछ चीजें मटेरियल वर्ल्ड में अचीव करेंगे, एंड विल बी अगेन बॉर्न, फिर से वही साइकिल रिपीट होगा, फिर से वही साइकिल रिपीट होगा। कब तक हम इस साइकिल को रिपीट करते रहेंगे, कहीं ना कहीं तो हमें इस साइकिल को ब्रेक देना है, कहीं ना कहीं हमको अपने जन्म के रियल पर्पस को समझना है कि हम क्यों जन्म लिया है हमने, और उस डायरेक्शन में अपने लाइफ को लेकर जाना है। तो ये जो 5 यम है, ये 5 यम हमारी क्लेंजिंग करते हैं। क्या है 5 यम, अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा यानी मन से, वचन से और काय से किसी को दुख नहीं पहुंचाना, हिंसा नहीं पहुंचाना। सत्य, भाव के लेवल से सत्य का पालन करना। सत्यमेव जयते, जो झूठ का, मिथ्या का मार्ग अपनाता है उसे शॉर्ट टर्म सक्सेस जरूर मिल सकता है, लेकिन वो बिल्कुल शॉर्ट टर्म होता है। अगर हमें लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए तो सत्य का ही अनुसरण करना पड़ेगा, क्योंकि सत्यमेव जयते हमेशा सत्य ही हमें जीत दिलाता है।
तीसरा क्या है, आस्तेय, जो मेरा नहीं है उसकी तरफ झांकना ही नहीं, उसकी तरफ झांकना, उसके प्रति कुछ लालसा भी मन में क्रिएट करना बहुत बड़े पाप का कारण है। एंड दिस इज वैलिड फॉर द मटेरियल पोजेशन, घर जायदाद प्रॉपर्टीज रुपया पैसा जेवर ये सब पर तो एप्लीकेबल है ही, उसके साथ में किसी के आइडियाज को चुराना, किसी के क्या बोलते क्रेडिट को ले लेना, इसे कहते हैं प्लेजरिज्म। आजकल ये भी बहुत बड़ा लॉ आ गया है ये सब में, प्लेजरिज्म वगैरह पर, कि आप किसी के आइडियाज को चुरा नहीं सकते, आप किसी के क्रेडिट को ले नहीं सकते हो, दिस इज नॉट कंसिडर्ड लॉफुल। तो ये हमारे धर्म में आस्ते है। और चौथा ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य यानी वो चीजें जो सिर्फ और सिर्फ हमें सेंस प्लेजर देती है, हमारे पांचों इंद्रियों को खुशी देती है, उससे उसका परित्याग करना, हमें वो मार्ग को अपनाना है जो हमारे आत्म कल्याण का मार्ग हो, हमें आत्मबोध की ओर चलना है। और पांचवा क्या है, अपरिग्रह, कोई भी वस्तु या कोई भी सोच, मटेरियल थिंग्स एज वेल एज थॉट्स, जो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, जो बेकार है व्यर्थ है, वो सब का परित्याग कर देना चाहिए। अपने माइंड को भी खाली कीजिए और अपने घर को भी खाली कीजिए और अपने दिल को भी खाली कीजिए, वो सारे इमोशन से वो पकड़ के रखते हैं, बहुत अच्छा लगता है पकड़ के रखना कि भाई माफ नहीं करूंगी मैं, उसने ऐसा किया मेरे साथ, अरे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, सारा फर्क आपको ही पड़ रहा है, आप ये सोच सोच के जलते जा रहे हो अंदर में, और पता नहीं कितने कर्म को आप क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि कर्म कहाँ क्रिएट होते हैं, कर्म एट द लेवल ऑफ थॉट्स, एट द लेवल ऑफ भाव क्रिएट होते हैं। तब जितनी बार रिविजिट करते हो अपने वो सारे सैड मेमोरीज की तरफ, उतनी बार आप अपने कर्मों को ऐड करते जाते हो। सो त्याग दीजिए वो सारे थॉट्स जो आपको जीवन में नीचे लेके जा रहे हैं, सबका परित्याग कीजिए, वो सारी चीजें चाहे जिसका कोई उपयोग नहीं आपके जीवन में, सबका परित्याग कीजिए, अपरिग्रह का पालन कीजिए। ये है पांच यम। अब ये पांच यम को फॉलो करके क्या होता है, हमारा पात्र जो है वो क्लीन हो जाता है। और फिर हम अब बढ़ते हैं पांच नियम की तरफ। अब इस क्लीन पात्र में हमको क्या भरना है, अमृत भरना है, तो एक-एक धर्म की हम अमृत को भरेंगे। तो नियम क्या, पहला नियम है शौच, प्यूरिफिकेशन। कैसा प्यूरिफिकेशन, ब्रश करना, मलमूत्र को विसर्जित करना, स्नान करना, ये प्यूरिफिकेशन ऑफ कोर्स ये तो है ही, मैंडेटरी है, क्योंकि जब हम स्नान करते हैं ना, ब्रश करते हैं, मलमूत्र को विसर्जित करते हैं, स्वेट करते हैं, तो क्या होता है, हमारे बॉडी से बहुत सारे टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, बहुत सारे नेगेटिव एंटिटीज हमारे पूरे हमारे स्थूल शरीर में इकट्ठे हो जाते हैं। तो जब हम इस तरह से क्लेंजिंग प्रोसेस को करते हैं, फिजिकल क्लेंजिंग करते हैं, तो हम बहुत सारी नेगेटिव एंटिटीज को काम परित्याग कर देते हैं। लेकिन क्या शौच सिर्फ फिजिकल क्लेंजिंग से रिलेटेड है, बिल्कुल भी नहीं, शौच हैज टू बी एट द लेवल ऑफ मन एज वेल, इट हैज टू बी एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल, इंटरनल क्लेंजिंग, हमारे अंदर जितने भी विकार हैं, जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव इमोशंस हैं, सबको क्लेंस करना। क्योंकि ऋषि पतंजलि कहते हैं कि जो इस तरह से करता है, सत्व शुद्धि सौमनस्य काग्रे इंद्रिया ज्ञात्म दर्शन योग्यत्वानि च, यानी कि जब हम इस तरह से इंटरनल क्लेंजिंग करते हैं तो क्या होता है, हमें एक मेंटल सेटिस्फैक्शन प्राप्त होता है, एक आंतरिक शुद्धि के कार्य से। और आंतरिक शुद्धि कैसे होती है, आंतरिक शुद्धि होती है योगासन, प्राणायाम, ध्यान, साधना, और इस तरह से नियम और नियम के जब हम पालन करते हैं,
तो हमारी इंटरनल क्लेंजिंग होती है। और ये जो इंटरनल क्लेंजिंग है क्या करती है, हमें सिंगल पॉइंटेडनेस देती है, हमें ध्यानस्थ बनाती है। और जब हम ध्यानस्थ होते हैं तो क्या होता है, हमें सत्व का ज्ञान होता है, आत्मा का ज्ञान होता है, हमारा आत्मबोध बढ़ता है। तो ये जो क्लेंजिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो 5 यम थे उसके द्वारा हमने क्या प्राप्त किया, ये क्लेंजिंग ही तो प्राप्त की, अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये 5 यम से हमने ये क्लेंजिंग, ये प्यूरिफिकेशन, ये शौच की प्राप्ति की। और ये शौच अब क्या कर रहा है, हमें आत्मबोध की ओर लेकर जा रहा है। और फिर दूसरा नियम क्या है, संतोष। ऋषि पतंजलि कहते हैं, संतोषात नुत्तम सुख लाभ। जो इंसान संतोष का पालन करता है उसे सत्तचित आनंद की प्राप्ति होती है। संसार में दुख का कारण क्या है, कोई चीज ना होना दुख का कारण है। हम क्यों दुखी होते हैं संसार में, जस्ट सोचिए इस बात को, हम क्यों दुखी हैं। कुछ ना कुछ हमारे पास नहीं है इसलिए दुखी हैं। तो आपको क्या लगता है, वो मिल जाएगा तो आप खुश हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि जैसे ही वो मिलेगा ना, एक दूसरी चीज सामने में आ जाएगी, आप उसको प्राप्त करना चाहेंगे। अब हम बड़े होते हैं तो पहला हमको क्या होता है, अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर लें। अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर लेते हैं तो फिर नेक्स्ट क्या होता है, अच्छी जगह नौकरी मिल जाए। अच्छी जगह नौकरी मिल जाती है, उसके बाद क्या होता है, किसी अच्छे से शादी हो जाए। फिर किसी अच्छे से शादी हो जाती है तो क्या होता है, भाई बच्चे हो जाए। फिर बच्चे हो जाते हैं तो वो अच्छी स्कूल में पढ़ लिख लें। द साइकिल कीप्स ऑन गोइंग। कहीं एंड है क्या साइकिल का? देयर इज नेवर एन एंड। 2 BHK के घर में लग रह रहे हैं तो लगता है 3 BHK हो जाए, भाई कोई गेस्ट वेस्ट आए तो उनके लिए एक एक्स्ट्रा रूम हो। 3 BHK हो जाए तो फिर लगता है कि भाई 4 BHK हो जाए, फिर लगता है टेरेस गार्डन के साथ हो जाए, फिर लगता है एक बंगलो हो जाए, फिर बंगलो विद स्विमिंग पूल हो जाए। पैदल चलते थे तो लगता था कोई स्कूटी आ जाए, स्कूटी हुई तो बाइक, बाइक है तो 4 व्हीलर, 4 व्हीलर में भी फिर कई कई सारे मॉडल। कहीं भी रुकते हैं क्या हम? हम जैसे ही एक चीज की प्राप्ति करते हैं, भौतिक वस्तु की, याद रखिएगा, हम जैसे जैसे भौतिक साधनों की प्राप्ति करते हैं हमारा असंतोष और बढ़ता जाता है, क्योंकि हमारे अंदर और लालसा आती और कुछ प्राप्त करने की। कहीं एंड नहीं है। मटेरियल गेन नेवर लीड्स टू हैप्पीनेस। देन व्हाट लीड्स टू हैप्पीनेस? संतोष, सेटिस्फैक्शन। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप स्टॉप कर दो अपना ग्रोथ, कि भाई 2 BHK में रह रहे हो तो 3 BHK में मत जाओ, बंगलो में मत जाओ, स्विमिंग पूल मत लो, अच्छी मॉडल की कार मत लो, अच्छे हाई पैकेज के जॉब में मत जाओ, या बड़ा बड़ा बिजनेस मत करो। मैं ये नहीं कह रही हूं, ऑफ कोर्स करिए, लेकिन संतोष के साथ करिए। दुनिया में आए तो अचीव करना ही है ना, हम क्यों आए इस दुनिया में, अचीव करने के लिए। वी हैव टू बी अचीवर। और हर एस्पेक्ट में अचीव करना है हमें, चाहे भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, हर जगह में अचीव करना है। हमारे जितने भी तीर्थंकर थे, जितने भी भगवान थे, कोई भी गरीब नहीं थे, सब चक्रवर्ती राजा थे, सबके पास सारा वैभव था। तो क्या दर्शाता है कि अगर हम हमारा अगर आत्मबोध बढ़ता है तो हमारी भौतिकता भी बढ़ती है। ये सब इट गोज हैंड इन हैंड। लेकिन जब संतोष नहीं होता है तो ये भौतिकता हमें नीचे लेके चली जाती है। और जब संतोष होता है तो हमें सत्चित आनंद की प्राप्ति होती है। हम जिस भी अवस्था में होते हैं हम खुश होते हैं, एक इंटरनल ब्लिस में रहते हैं। ऑफ कोर्स वी कीप ट्राइंग टू अचीव मोर। हम अपने अचीवमेंट्स को स्टॉप नहीं करते, हम अचीवमेंट को अचीव करते जाते हैं, लेकिन संतोष के साथ में। कोई लालच नहीं होता कि
किसका छीन लें, उसका ये कर लें, कोई ईर्ष्या नहीं होती, कोई द्वेष नहीं होता, हम सिर्फ अपने क्वालिटीज को इंप्रूव करते जाते हैं और अपने इंटरनल स्ट्रेंथ में हम आगे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर संतोष होता है। संतोष बहुत इंपॉर्टेंट है। आज पूरी दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आज संतोष की कमी हो गई है। पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड। कुछ भी अचीव कर लो, कुछ भी अचीव कर लो, दे आर नॉट सेटिस्फाइड एंड दिस इज द कॉज ऑफ एवरी ट्रबल इन लाइफ, एवरी मिजरी, चाहे स्ट्रेस, चाहे एंजाइटी, हेल्थ डिसऑर्डर्स और सुसाइड्स। आजकल सुसाइड्स कितने बढ़ते जा रहे हैं। दिस इज द कॉज, बिकॉज एक तरफ ग्रोथ तो हो रहा है लेकिन ये जो धर्म है, संतोष का धर्म है, उसका पालन नहीं हो रहा है। सो संतोष बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमें सत्चित आनंद की प्राप्ति कराता है। फिर तीसरा तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम है तप। तप, आपको पता है आपकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों हैं? किसी ने बदमाशी की क्या आपके साथ, आपके जीवन में इतना सारा प्रॉब्लम डाल दिया? बिल्कुल भी नहीं। ये सारी प्रॉब्लम्स आपने अपने जीवन में खुद लिखी है। जब आप एक आत्मा के रूप में थे ना वहां पर ऊपर, और अपनी लाइफ स्क्रिप्ट लिख रहे थे, अपनी लाइफ स्क्रिप्ट आप खुद लिखते हो, कोई चित्रगुप्त नहीं लिखता है, आप खुद अपनी लाइफ स्क्रिप्ट लिखते हो भगवान के सानिध्य में बैठ के। और किस पर्पज से लिखते हो? कि आपने जो जो गलतियां की, आप एक लेसन लर्न करना चाहते हो। और लेसन कैसे लर्न होगा? लेसन लर्न होगा तपश्चर्य के मार्ग से। लेसन लर्न होगा जब हम डिफिकल्ट सिचुएशन में जाएंगे, तो उस डिफिकल्ट सिचुएशन को फाइट करने के कारण हमारे अंदर क्वालिटीज डेवलप होगी। इसे कहते हैं तप। छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगी। आपने देखा कभी बटरफ्लाई कैसे बनती है? बटरफ्लाई के डिफरेंट स्टेजेस हैं। एग होता है, फिर कैटरपिलर होता है, फिर प्यूपा बनता है, फिर उस प्यूपा से क्या होता है, बटरफ्लाई बाहर निकलती है। और वो स्टेज बहुत डिफिकल्ट होता है प्यूपा से बटरफ्लाई का। जब वो बटरफ्लाई बाहर निकलती है, उसे बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अपने पंख को बिल्कुल स्ट्रेंथन करना पड़ता है उसे। इट इज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन क्या होता है, वो जब इस को फाइट कर रही होती है तो उसके जो विंग्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, और जैसे वो बाहर निकलती है एज अ बटरफ्लाई, तो इस बाहर निकलने के प्रोसेस में जो उसे हार्डशिप करनी पड़ी थी, उस हार्डशिप के कारण उसके जो विंग्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, उससे वो आसमान की ऊंचाइयों को छू सकती है, वो उड़ सकती है, फ्लाई कर सकती है। और वहीं अगर उसे ये हार्डशिप नहीं करना पड़े, अगर कोई उस प्यूपा को तोड़ दे ताकि वो आराम से निकल सके, तो बटरफ्लाई वहीं की वहीं मर जाएगी, क्योंकि उसने अपने अंदर शक्ति का संचार किया ही नहीं है, शक्ति क्रिएट ही नहीं की है। तो वही हमारे साथ भी होता है। जब हम डिफिकल्ट सिचुएशन में जाते हैं लाइफ में, जब हम तप के मार्ग पर जाते हैं, तो उस हार्डशिप को फॉलो करने के टाइम पे क्या होता है, हमारे अंदर क्वालिटीज डेवलप होती है, हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं। और ये सारी चीजें हमने खुद ने चाही थी जब हम आत्मा के रूप में थे। ये तो जब हम शरीर में आए हम सब कुछ भूल गए, और अब हम हर बार भगवान को कोसते रहते हैं कि भाई मैं तो कितनी अच्छी हूं, फिर भी सारे प्रॉब्लम मेरे साथ क्यों, मुझे कंसीव करने में क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे ये करने में क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, बाकी सबको तो कुछ भी नहीं हो रहा, मुझे ही क्यों, वाई मी, यू ऑलवेज थिंक वाई मी वाई मी वाई मी। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, वाई मी की कोई बात ही नहीं है, इट्स ओनली यू, बिकॉज आपने ही ये सारी चीज का डिसीजन लिया था कि यस आई विल गो थ्रू दिस हार्डशिप, क्योंकि तप तप के ही सोना बनता है। सोना को कैसे बनाया जाता है? उसे तपाया जाता है। सोना जितना तपता है उतना उसके अंदर प्यूरिफिकेशन होता है, तो तप तप के सोना बनता है। और अगर आपको सोना बनना है तो आपको तपना तो पड़ेगा ही। क्या कहते हैं ऋषि पतंजलि, कायेन्द्रिय सिद्धिर शुद्धि क्षयात तपस्या,
यानी कि जब तप हम करते हैं तो तप करने से हमारे अंदर की सारी इम्प्योरिटीज, सारी अशुद्धियां, सारे विकार चले जाते हैं। और क्या चीज हमें प्राप्त होती है? हमें सिद्धियों की प्राप्ति होती है। अष्ट सिद्धि, नव निधि, ये सब हमें प्राप्त होते हैं जब हम तप के मार्ग पे चलते हैं। जब हमारे जीवन में डिफिकल्ट सिचुएशंस आते हैं और वो डिफिकल्ट सिचुएशन के आगे हम उठने नहीं टेकते, हम भी एकदम रॉक सॉलिड होके खड़े रहते हैं एंड एंजॉय करते हैं उस गेम को कि चलो खेलो खेलो, नेले पे देला, ठीक इट एज अ चैलेंज। तपश्चर्य का मार्ग हमें लेना है, और जब हम ऐसे मार्ग को लेते हैं तब सारी सिद्धियां हमारे पीछे भागती है। और फिर क्या है नाइन्थ, चौथा नियम या नवा धर्म? यह है स्वाध्याय। स्वाध्याय यानी सेल्फ स्टडी। तो व्हाट डू यू मीन बाय स्वाध्याय? हम स्वाध्याय से क्या मीन करते हैं? नॉलेज गेन करना। क्या चीज के बारे में नॉलेज गेन करना? स्वयं के बारे में, स्वाध्याय, स्वयं का अध्ययन कि हम कौन है, क्या विकार है हमारे अंदर, कैसे हम हर दिन इन विकारों को दूर करते जा रहे हैं, कैसे हम हर दिन और बेटर पे बेटर होते जा रहे हैं, ये है स्वाध्याय। जो ज्ञान स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है उसको स्वयं पर अप्लाई करना स्वाध्याय है। उसे अभ्यास में लेके आना स्वाध्याय है। जो ज्ञान है उसे हमें क्या करना है? उसे अभ्यास में लेके आना है, प्रैक्टिस में लेके आना है। और प्रैक्टिस करते करते वो एक दिन हमारा क्या बन जाना चाहिए? आचरण बन जाना चाहिए, हमारा वे ऑफ लाइफ बन जाना चाहिए। और वो ऐसा वे ऑफ लाइफ बन जाए कि हमें देखकर दूसरे इंस्पायर्ड होना चालू करते हैं। एक ज्ञानी पुरुष को बताना नहीं पड़ता है माइक लेके, मैं ज्ञानी हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं ज्ञानी हूं। उनका सिर्फ जीवन को आप देखकर खुद इंस्पायर्ड हो जाते हो और वो ज्ञान आपके अंदर ट्रांसलेट हो जाता है। तो अगर आपको अपने बच्चों में ये सारी क्वालिटीज डालनी है तो कैसे डालोगे आप? खाली बोल के कि भाई सत्य का पालन करो, अहिंसा का पालन करो, अपरिग्रह करो, वास्तेय करो, शौच का पालन करो, संतोष का पालन करो, बोलने से कुछ नहीं होता। सीइंग इज बिलीविंग, आचरण में लेके आना होगा। और अभी बच्चा जब आपके वूम में है, अगर आप उसी समय से अगर आचरण में लेके आओगे तब उसका जो न्यूरल पाथवे है वो भी बिल्कुल उस हिसाब से सेट हो जाएगा। बच्चे बोलने से नहीं सीखते हैं, बच्चे ऑब्जर्व करके सीखते हैं। आप रोज उसे सिखा रहे हो सत्य बोलो सत्य बोलो सत्य बोलो, और वही फोन आ रहा है और उसी के सामने आपको झूठ बोल रहे हो, तो क्या सीखेगा? सत्य सीखेगा कि झूठ सीखेगा? आचरण में लेके आना है हमें, और एक इंस्पिरेशन का एक कारण बनना है। तो स्वाध्याय का मतलब क्या हुआ? स्वाध्याय का मतलब ज्ञान को अपने अंदर उतारना, उसे अभ्यास में लेके आना, और अभ्यास करते करते उसे अपना आचरण बना देना, और आचरण बना के पूरे जगत को इंस्पायर करना, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनना। इसे कहते हैं स्वाध्याय। और जो इंसान स्वाध्याय करता है, हर क्षण अपना अध्ययन करता रहता है, सेल्फ स्टडी करता है, रिफ्लेक्शन एंड इंट्रोस्पेक्शन करता है, क्योंकि हम तो इंसान है ना, परफेक्ट नहीं है, गलतियां होती रहेंगी, लेकिन हर गलती का अगर हम अवलोकन करते जाएंगे, उस पर रिफ्लेक्ट करेंगे, इंट्रोस्पेक्ट करेंगे और उसमें इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा?
सब हम भगवान के करीब आ जाएंगे। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ऋषि पतंजलि कह रहे हैं, स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग, यानी कि जो स्वाध्याय करता है वो अपने इष्ट के एकदम करीब आ जाता है, उसका कम्युनियन हो जाता है अपने इष्ट के साथ में, अपने भगवान के साथ में, क्योंकि उसके अंदर वो कमिटमेंट है। विकार होना प्रॉब्लम नहीं है, गलतियां करना प्रॉब्लम नहीं है, उस गलतियों को, उन विकारों को इग्नोर करना प्रॉब्लम है। तो हमें उन्हें लेकर अपने आप को इम्प्रूव करते जाना है। और फिर जो आखिरी धर्म है वो है ईश्वर परिधाना, डिवोशन टू गॉड, सरेंडर टू गॉड, सरेंडर एवरीथिंग टू हिज होली फीट। जो भी आप अचीव कर रहे हो वो सब उन्हीं की देन है। कर्ता भाव मन में नहीं होना चाहिए, अपने आप को माध्यम मानो कि हे भगवान, आपने मुझे माध्यम बनाया जिसके कारण मैं इतने लोगों तक पहुंच सकी, इतने लोगों का कल्याण कर सकी, इतने लोगों के काम आ सकी। उन्होंने माध्यम बनाया तो ही तो आ सकी, उनकी इच्छा होती तो किसी और को माध्यम बना देते थे। हर चीज तो करने वाले हुई है, अल्टीमेट कर्ता पुरुष तो सिर्फ एक ही है, वो है भगवान। और गड़बड़ हम कहाँ कर देते हैं, जब हम स्वयं को कर्ता मानने लग जाते हैं। कृष्ण भगवान सोए हुए थे, दुर्योधन और अर्जुन दोनों उनके पास पहुंचे, तो दुर्योधन कहाँ बैठा, उनके सर के पास, और अर्जुन जी कहाँ बैठे, उनके चरण के पास। तो भगवान की जब आंख खुली तो सबसे पहली नजर उन पर, उनकी किस पर गई, अर्जुन जी पर। पहला आशीर्वाद किसको मिला, अर्जुन जी को मिला। हमेशा भगवान के चरणों में समर्पित रहिए, क्योंकि जो हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, जिस तरह से भी हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ उनकी इच्छा से हो रहा है। सरेंडर, और जो इंसान सरेंडर कर देता है ना, उनको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। एक छोटा सा बच्चा है, उसके माँ बाप ऐसे हवा में उसे उछालते हैं, वो रोता है क्या जब उछलता है, हंसता है, खिलखिला के हंसता है। क्यों? क्योंकि वो सरेंडर्ड है अपने माता पिता को, उसको मालूम है कि मेरे माता पिता जरूर मुझे कैच कर लेंगे, वो गिराएंगे नहीं, उसके मन में कर्ता भाव नहीं है। उसको मालूम है मेरे कर्ता कौन है, मेरे माँ बाप है, वो कभी मुझे गिराएंगे नहीं, हमेशा बचा लेंगे। उसी प्रकार जब हम अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित रखते, सरेंडर्ड रखते हैं, तो क्या होता है, भगवान हमेशा हमारे लिए डटे रहते हैं। सो बहुत जरूरी है कि हम कुछ भी प्राप्त करें, सबका सब उनके चरणों में समर्पित कर दें। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, क्योंकि उन्हीं का है और उन्हीं को वापस कर दिया है। तो मैं तो क्या हूं, मैं तो सिर्फ एक मीडियम हूं, माध्यम हूं, ट्रांजैक्शन हुआ मेरे थ्रू, अल्टीमेट ओनर तो वही है, कर्ता पुरुष तो वही है। तो सबसे पहले क्या होता है, ये जो ईश्वर परिधाना है, जो भक्ति योग है, इसका फर्स्ट स्टेज क्या है, काम। काम काम यानी हम पांचों इंद्रियों के वशीभूत हैं, शरीर बोध में जुड़े हुए हैं, और जब इस काम में सैक्रिफाइस आता है, त्याग का भाव आता है, तो किसकी उत्पत्ति होती है, प्रेम की उत्पत्ति। हम स्वार्थ भाव से निस्वार्थ भाव की ओर बढ़ते हैं, काम में जब त्याग की भावना आती है तो वो प्रेम बन जाता है।
और फिर प्रेम में जब समर्पण की भावना आती है तो क्या बन जाता है, वो भक्ति बन जाती है। प्रेम में जब समर्पण की भावना आती है तो भक्ति बन जाती है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल है कि भक्ति समर्पण किसके प्रति, क्योंकि भगवद गीता में स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि तुम जिसके प्रति समर्पित रहोगे तुम उसके जैसे बन जाओगे। तो डिसीजन हमको लेना है कि हमारा समर्पण किसके प्रति होना चाहिए। अगर हम भगवान के प्रति समर्पित होंगे तो भगवान जैसे हो जाएंगे, और अगर हम कोई इंसान के प्रति समर्पित होंगे तो हम इंसान जैसे हो जाएंगे। तो हमें डिसाइड करना है कि समर्पण होना किसके प्रति है। तो जब प्रेम में समर्पण की भावना आती है तो वो भक्ति बनती है, और भक्ति में जब हम अहंकार को त्याग देते हैं, कर्ता भाव को त्याग देते हैं, अपने ईगो को त्याग देते हैं, तो क्या होता है, साक्षात्कार। इसे कहते हैं ईश्वर परिधाना, कि जो हमारा शरीर बोध है उसको त्यागे तो प्रेम की उत्पत्ति होगी। प्रेम में समर्पण को लेके आए तो भक्ति की उत्पत्ति होगी। भक्ति में जब हम ईगो को त्याग देते हैं, अहंकार को त्याग देते हैं, उस कर्ता भाव को त्याग देते हैं, तो साक्षात्कार होता है। किससे? हमारा हम ही से साक्षात्कार होता है, हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। तो क्या कहते ऋषि पतंजलि, समाधि सिद्धिर्श्वर परिधाना, यानी कि जो ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है, जो हर चीज उनके चरणों में दे देता है, तो क्या होता है, उसे समाधि की प्राप्ति होती है। समाधि मतलब मर्जिंग विद द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, मोक्ष की प्राप्ति होना। सो मोक्ष प्राप्त करना उतना टफ नहीं है। ये 10 धर्म को अगर हम अच्छे से उसका पालन कर ले, अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर परिधाना, ये 10 धर्म को अगर हम उसका पालन करते हैं तो धीरे 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 हम तब शरीर बोध से आत्मबोध की ओर बढ़ने लग जाएंगे। हमको खुद को पता नहीं चलेगा, और पता नहीं कब हम अपने मोक्ष की यात्रा में आगे बढ़ जाएंगे, हमें पता नहीं चलेगा। और एक गर्भवती माँ अगर ये 10 धर्म का पालन पूरी निष्ठा के साथ अपने गर्भ से ही करना चालू कर देती है, तो ये सारी क्वालिटीज को वो अपने गर्भस्थ शिशु में इंजेक्ट करती जाती है। अब कहना तो बहुत आसान है, इसे अचीव कैसे करें, क्योंकि अल्टीमेटली है तो हम मनुष्य ही ना। कुछ भी बोलिए, है तो हम मनुष्य, और ये हमारे डिफॉल्ट नेचर में है। होगा ही, मैं सेशन लूंगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा, वाह वाह करोगे, मेरे मन में अहंकार आ जाएगा, आएगा आएगा, अहंकार आएगा, इंसान हूं क्या करूं, आएगा ही आएगा। कहीं कुछ चर्चा होगी, कुछ आइडिया बहुत अच्छा निकला होगा, वो इंसान अगर वहां मौजूद नहीं होगा तो उस आइडिया को चुराने की इच्छा आएगी, आएगी ही आएगी, कुछ नहीं कर सकते। संसार में इतना वैभव है, वो सबको प्राप्त करने के लिए संतोष डगमगाएगा ही डगमगाएगा। समझ रहे हैं आप? तो हैं तो हम इंसान ही ना, हैं तो हम 5 इंद्रियों के वशीभूत, जी तो हम इस शरीर में ही है, तो फिर क्या करें, कैसे करें 10 धर्म का पालन।
हर मिनट हर सेकंड एक चैलेंज है हमारे साथ में, हर सेकंड एक चैलेंज है कि हम कैसे इंश्योर करें कि हमें 10 धर्म का पालन कर सके। तो इसके लिए ऋषि पतंजलि ने बहुत ब्यूटीफुल सोल्यूशन दिया है, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी 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 ब्यूटीफुल। वो कहते हैं वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, प्रतिपक्ष भाव को अपने अंदर लेके आओ, सारा सोल्यूशन मिल जाएगा। क्या हुआ प्रतिपक्ष भाव? जब जब आपके अंदर कोई भी दूषित विचार आते हैं, हिंसा आती है, मिथ्या आती है, चोरी करने की इच्छा होती है, इस तरह के कुछ भी आपके अंदर अगर विचार आते हैं, तो क्या करो? मेडिटेट अपॉन द कॉन्ट्ररी थॉट। इसे कहते हैं प्रतिपक्ष भावनम। यानी छोटा सा एग्जाम्पल, कोई एक इंसान है, उसकी कुछ बातें आपको बिल्कुल पसंद नहीं, जब जब आप उस इंसान को देखते हो क्या होता है, उसकी वही बातें आपको याद आती है, और जैसे वो बात याद आती है, आपका घृणा, आपका द्वेष, आपकी ईर्ष्या, आपका इरिटेशन उस इंसान के लिए और बढ़ता जाता है। तो क्या करना चाहिए आपको? क्या करना चाहिए? अब ऐसा तो नहीं कि उस इंसान में खाली बुराई बुरी क्वालिटी है, हो सकता है बुराइयों का डोमिनेशन हो उसके अंदर में, बुरी क्वालिटीज ज्यादा हो, उसका वर्चस्व हो, लेकिन एक तो अच्छी क्वालिटी होगी ना होगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 100% क्वालिटी खराब है उसके अंदर, कुछ इक्की दुक्की क्वालिटी अच्छी हो ही सकती है। तो क्यों ना हम उसके अच्छी क्वालिटी पे फोकस करें, और जैसे हम अपना ध्यान उसकी अच्छी क्वालिटी पे लगाएंगे तो क्या होगा? वो द्वेष, वो ईर्ष्या, वो इरिटेशन, वो क्रोध अपने आप कम होने लगेगा। इट इज ऑल माइंड गेम। तो जब जब आपके अंदर कुछ ऐसे विचार आते हैं जो ये आपको 10 धर्म को पालन करने से आपको डगमगाते हैं, क्या करना है आपको? आपको उसको ऑपोजिट थॉट्स को लेके आ जाना है। से कहते हैं प्रतिपक्ष भावनम। जैसे आप ऑपोजिट थॉट्स को लाओगे, आप देखना अपने आप वो नेगेटिव जो साइकिल था आपके अंदर, वो ब्रेक होने लगेगा। ऑफ कोर्स फर्स्ट राउंड में नहीं होगा, इट नीड्स प्रैक्टिस, बट बार बार यही करना। जैसे कोई भी नेगेटिव थॉट आपके अंदर आए, उसको तुरंत रिप्लेस कर दो पॉजिटिव थॉट के साथ। शुरू में बहुत एफर्ट लगेगा, बिकॉज आपको अभ्यास है उस नेगेटिव थॉट का, उस इंसान को देखकर वो बुराइयों को सोचने का आपको अभ्यास हो गया है, वो न्यूरल नेटवर्क आपके एकदम परफेक्ट हो गए हैं। लेकिन क्या करना होगा आपको? आपको धीरे धीरे उस अभ्यास को ब्रेक करना होगा, और उसको तो जैसे जैसे उसको पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करते जाएंगे, धीरे धीरे आपको पॉजिटिव का अभ्यास हो जाएगा। और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब आप उस इंसान को देखोगे और आपके मन में प्यार ही निकलेगा उसके लिए। क्यों? क्योंकि आप उसके पॉजिटिव थॉट्स पे फोकस कर रहे हो, नेगेटिव पे ध्यान ही नहीं दे रहे। तो इसी तरह से कोई भी सिचुएशन लाइफ में आती है और आपको इच्छा होती है कि आप कुछ नेगेटिव करो, तो रिप्लेस इट विद पॉजिटिव, रिप्लेस इट विद पॉजिटिव। हम जैसे उसको रिप्लेस करते जाएंगे, अपने आप धीरे धीरे, पहले फोर्सफुल करना होगा, फिर धीरे धीरे वो एफर्टलेस एफर्ट की ओर बढ़ता जाएगा, वो हमारे स्वभाव का एक वो बन जाएगा, स्वरूप बन जाएगा। और आगे क्या कहते ऋषि पतंजलि? वितर्का हिंसा दय कृत कारिता नुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृद्यु मध्याधि मात्रा दुख ज्ञानांत फला इति प्रतिपक्ष भावनम। यानी क्या कह रहे हैं वो? वो कह रहे हैं कि ये जो इवल थॉट्स हैं, ये जितने भी इवल थॉट्स हैं, ये अगर हम करते हैं, या तो खुद से करते हैं कृत, या हम किसी और से कराते हैं कारिता, या फिर हम सिर्फ मन में उसके भाव लाते हैं अनुमोदिता,
खुद करें, किसी और से कराएं, या सिर्फ मन में उसका भाव लेके आएं। और वो अगर जन्म लेता है लोभ से, क्रोध से, मोह से, तो चाहे वो मृत्यु हो, थोड़ा सा हो, चाहे मध्यम हो, मीडियम लेवल का हो, या बहुत ज्यादा लेवल का हो, अधिक हो, वो हमें अनंतानंद दुख की प्राप्ति कराता है। यानी खुद से किया गया या किसी और से कराया गया या मन में सोच के लेवल पर भी लाया गया, कोई भी कार्य जो लोभ, क्रोध और मोह से उत्पन्न हुआ है, चाहे वो थोड़ा हो, ओके ओके हो, या बहुत ज्यादा हो, वो क्या करता है? अनंत अनंतानंत दुख का कारण बनता है। यही है प्रतिपक्ष भावनम। तो हमें क्या करना है? उसे रिप्लेस कर देना है वितर्क से, ऑपोजिट कॉन्ट्रारी थॉट से। तो कि एक दिन में नहीं होगा, अभ्यास करते जाना होगा। और जैसे जैसे हम अभ्यास करते जाएंगे, हमारी एक्सपर्टीज होती जाएगी, और जैसे जैसे एक्सपर्टीज होती जाएगी, हमारा फिर स्वभाव बन जाएगा। दैट विल बिकम इन आर आचरण, हमारे आचरण में आ जाएगा, हमारा स्वभाव बन जाएगा। और फिर हम इसको प्रैक्टिस करते करते, 10 धर्म का प्रैक्टिस करते 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 करते, इस संसार को तो प्राप्त कर ही लेंगे, और इस संसार के साथ साथ आध्यात्मिक मार्ग में भी हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे। ये जो 10 धर्म है, हमें सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों ही उन्नति करवाता है। तभी ये 10 धर्म को क्या कहा ऋषि पतंजलि ने? सार्वभौम महाव्रतम, यूनिवर्सल महाव्रत है। न ये जाति, न देश, न काल, न समय, किसी से भी रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। कोई भी जाति का इंसान, कोई भी देश का हो, क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, जैन, कोई भी हो, कोई भी समय का हो, कोई भी परिस्थिति का हो, चाहे बहुत अमीर हो, चाहे गरीब हो, कोई भी परिस्थिति का हो, वो सब पर ये 10 धर्म यूनिवर्सली एप्लीकेबल है एज महाव्रत। व्रतों में ये महाव्रत है, ये 10 धर्म है। तो मैं चाहूंगी आप लोग सब, जितनी भी गर्भस्थ माताएं हैं या जो गर्भ धारण करना चाहती हैं, अपने आगे 10 धर्म का चार्ट बना के रख लें, और रोज रात में चिंतन करें कि 10 धर्म में कहीं आप कुछ में डिस्टर्ब हुए, कहीं कर्ता भाव अपने अंदर लेके आए, इंट्रोस्पेक्शन अपना किया कि नहीं किया, संतोष मन से गया कि बराबर रहा, शौच ठीक था कि नहीं था, सत्य के मार्ग पर थे कि नहीं थे, तपश्चर्या आपका बराबर चल रहा है क्या, वो तप को आप एंजॉय कर रहे हो, चैलेंज की तरह ले रहे हो, कि उस तप से आप घबरा रहे हो, जो डिफिकल्टीज आई है लाइफ में उससे घबरा रहे हो, कि उसे चैलेंज करते लेके आगे बढ़ते जा रहे हो। ये 10 धर्म को आप फोकस उस पर ध्यान रखिए, और फिर आप देखिए क्या अमेजिंग चेंजेस होंगे आप में भी, और आपका जो शिशु है उसमें भी। और शायद 9 महीने बाद यही होनी होनी है, साथ में सारे चेंजेस आपके अंदर भी, और आप जो प्राप्त करना चाहेंगे उसको प्राप्त करने में सक्षम रहेंगे। सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों ही जगत में आपकी उत्तरोत्तर उन्नति होती रहेगी। तो ये थे हमारे 10 धर्म, सर्वगुण संपन्न दिव्य शिशु की प्राप्ति के लिए ये 10 धर्म गर्भस्थ महिला को, माँ को पालन करना ही चाहिए, और ऑफ कोर्स हम सबको तो करना ही चाहिए, क्योंकि यही फंडामेंटल है, यही बेसिक है, यही यूनिवर्सल है, यही हमें प्राप्त करना है। तो इसी के साथ
इस सेशन को मैं यहाँ पे पूर्ण विराम देती हूँ।